Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3. ये हमारी स्टैंडर्ड 4th की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, जिसके एक पार्ट में हमने पढ़ा है इसकी रीडिंग को, और आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज को, जो है हमारा सेकेंड पार्ट। यहाँ पर हम हमारी एक्सरसाइज में सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें दे रखा है प्रिंस नीस वॉज एक्कस्टम टू पीपल विद ग्रेट स्किल। नेक्स्ट है द प्रिंस आस्क द अम्बेसडर टू प्ले अ गेम ऑफ चेस। इसके बाद आता है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में सबसे पहले हमें दे रखा है ब्लैंक रोड बाय हर सेल्फ इन टू द सिटी। ऐसा कौन था जो घोड़े पर बैठकर सिटी में आया था? वो थी कैटरीना, जो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आई थी। तो कैटरीना घोड़े पर चढ़कर आई थी। नेक्स्ट है कैटरीना गैदर्ड हर ब्लैंक आर्चर ब्लैंक चेस एक्सपर्ट एंड ब्लैंक म्यूजिशियन। कि जो कैटरीना है उसने क्या किया था, कितने लोगों को इकट्ठा किया था? उसने 30 आर्चर, उसके बाद 30 ही जो चेस खेलने वाले थे, चेस एक्सपर्ट थे, उसके बाद उसने 30 ही म्यूजिशियन थे, उन लोगों को उसने क्या किया था, कलेक्ट किया था, उनसे हेल्प मांगी थी कि मुझे मेरे हस्बैंड की क्या करनी है, मदद करनी है, उनको जेल से बाहर निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है द प्रिंस नीस, जो राजकुमार था उसकी भतीजी जो थी जवावा, वॉज अ ब्लैंक गर्ल। कैसी गर्ल थी वो? ब्यूटीफुल थी और क्लेवर गर्ल थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर अंकल रिप्लाइड जवावा। जवावा ने उत्तर दिया कि प्यारे अंकल आई ओबे यू इन ऑल मैटर, मैं तुम्हारी सब तरीके से आज्ञा का पालन करूंगी, बट आई कैन नॉट मैरी आ, लेकिन मैं किसी शादी नहीं कर सकती, आ वूमेन, मैं एक औरत के साथ शादी नहीं कर सकती। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है हमें प्रिंस ऑर्डर जवावा टू मैरी द। अब जो प्रिंस था उसने किससे शादी करने के लिए जवावा को बोला था? उसने बोला था अम्बेसडर से, जो राजदूत बन के आया था वेश बदल कर, उसके साथ उसने शादी करने के लिए कहा। इसके बाद नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं और इनके आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है यू हैव गोन टू फार दिस टाइम, तुम्हें इस टाइम बहुत दूर चले जाना चाहिए। ये शब्द किसने कहे थे? आपको ये लाइन सुन के याद आ रहा होगा कि यह जो राजकुमार था ना, उसने सतावर से ये बात कही थी कि मेरी नज़रों से तुम दूर हो जाओ, कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तो पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड टू हुम, ये शब्द किसने किसको कहे थे? ये शब्द किसने कहे थे? प्रिंस सेड टू सतावर, ये प्रिंस ने सतावर से कहे थे। इसके बाद नेक्स्ट है इन वट वे हैड द पर्सन गोन टू फार, कि इन वट वे, किस तरीके से जो पर्सन होता है गोन टू फार, कि वो दूर कैसे चला जाता है, इन हिज टॉकिंग वे, उसके बोलने से। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे गोन टू फार का मतलब होता है बहुत दूर चले जाना, मतलब उसको वो जेल में डाल देते हैं, काल कोठरी में भी डाल देते हैं। आप ये भी आंसर रिटर्न कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है आई शैल नॉट मैरी अ वूमेन, मैं एक औरत से शादी नहीं करूँगी। हुम डिड द स्पीकर रेफर एज अ वूमेन, कि यहाँ पर कौन ये बात बोल रहा है कि मैं वूमेन से शादी नहीं करूँगी। द स्पीकर रेफर एज अ वूमेन टू अम्बेसडर, कि ये वो औरत है जो क्या थी, जो राजदूत बन के आई थी वहाँ पे, उस औरत के लिए कहा गया है। और अगर हुम डिड द स्पीकर रेफर एज अ वूमेन, वूमेन के लिए पूछा था, तो कौन था? अम्बेसडर था। नेक्स्ट है वाज द पर्सन रियली अ वूमेन, क्या जो व्यक्ति उनको दिखाई दे रहा था वो वास्तव में ही एक औरत था? टू होम द स्पीकर रेफर्ड, कि स्पीकर ने इसको किसके लिए कहा है? यस द पर्सन वॉज रियली अ वूमेन, कि हाँ वो पर्सन क्या था, वास्तव में ही लड़की था, वो औरत था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट कंट्री इज द स्टोरी सेट इन। ये जो कहानी है ये कौन सी कंट्री की है, कहाँ की ये स्टोरी है? तो पहला आंसर है द स्टोरी इज सेट इन कीव। ये कहानी कहाँ की है? कीव राज्य की है। नेक्स्ट है व्हाट वर द रशियन नोबिलिटी ब्रैगिंग अबाउट, कि वहां पर जो रशियन लोग बैठे थे, जो रईस लोग बैठे थे रशियन लोग, वो किस किस बारे में अपनी डींगे हांक रहे थे? द रशियन नोबिलिटी वर ब्रैगिंग अबाउट हिज पावर, वो अपनी पावर ताकत के बारे में, इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में, मनी धन के बारे में, एंड ट्रस्टेड हॉर्स और अपने घोड़ों के बारे में, कि वहां पर जितने भी अमीर लोग बैठे थे वो डींगे हांक रहे थे, किस किस से रिलेटेड थी वो डींगे, वो उनकी ताकत बुद्धिमत्ता धन और अपने घोड़ों से रिलेटेड थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रीक अम्बेसडर वांट फ्रॉम द प्रिंस, कि जो ग्रीक अम्बेसडर था वो क्या चाहता था? द ग्रीक अम्बेसडर वांटेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द प्रिंस, वो राजकुमार से कर लेने के लिए आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज जवावा, जवावा कौन थी? जवावा वॉज प्रिंस नीस। जवावा कौन थी? जो राजकुमार था उसकी भतीजी थी वो। नेक्स्ट है व्हाट ऑल डिड द प्रिंस डू टू एश्योर दैट द अम्बेसडर वॉज अ मैन, कि यहाँ पर जो राजकुमार है वो उसको साबित करने के लिए क्या क्या करता है कि वो एक आदमी है, तो उससे क्या क्या चीजें करवाता है? द प्रिंस गेव अ हार्प टू प्ले, उसे एक वीणा देता है वो सबसे पहले बजाने के लिए, एंड सिंग ऑन इट, और वो कहता है कि तुम्हें इस पे गाना है। फिर वो उसे क्या करता है, गेम ऑफ चेस, वो चेस का गेम करवाता है, एंड आर्चरी टू एश्योर दैट द अम्बेसडर वॉज अ मैन, उसके साथ तीरअंदाजी करवाता है ये देखने के लिए कि जो राजदूत है वो क्या है, एक आदमी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है, वो पर्सन जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है कि उस पर्सन ने किया क्या है, ये जो शब्द हमें बताते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सबसे पहले अलग करने का एक तरीका होता है, जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, थ्री टू थ्री टू थ्री, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल सेल डू डज एंड डिड। इनको हम याद करते हैं थ्री टू थ्री टू थ्री। इज एम आर को एक साथ बोला जाता है वाज वर हैज हैव हैड विल सेल डू डज डिड, कि इन वर्ब से पहले, या फिर एक हमारी आती है जो मेन वर्ब होती है, इन वर्ब से पहले जितने भी वर्ड आते हैं वो सारे होते हैं हमारे सेंटेंस, और इनके बाद जो भी आता है वो सारे होते हैं हमारे प्रेडिकेट। तो हमें यहाँ पर दे रखा है हेयर आर सम सेंटेंस दैट हैव बीन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखे हैं वो टू पार्ट में डिवाइड है। जॉइन द राइट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म लॉजिकल सेंटेंस, तुम्हें क्या करना है, ये जो जॉइन करना है इन दोनों पार्ट को और इनको लॉजिकल पार्ट में बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। फ्लावर्स, जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, शाइन एट नाइट, वो रात को नहीं चमकते, ले एग्स अंडे नहीं देते, वियर्स अ हेलमेट, हेलमेट नहीं पहनते, वो क्या करते हैं, ब्लूम इन द गार्डन, वो गार्डन के अंदर खिलते हैं। नेक्स्ट है अ मैन, एक आदमी ने क्या कर रखा है, वियर्स अ हेलमेट, एक आदमी हेलमेट पहनता है। हैंस, मुर्गियाँ क्या करती है, ले एग्स अंडे देती हैं। अ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, तो अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज इन द एयर। और द स्टार शाइन्स एट द नाइट। तो ये आपका हो गया मैचिंग।
इनको ज्वाइन करने से आपका ये क्या बन गया है, ये बन गए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोनों को ऐड करने से आपका एक सिंगल सेंटेंस बन गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड। आपको जो ये शब्द दे रखे हैं इनके आपको क्या करने हैं, एंटोनिम्स बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंटोनिम क्या होते हैं, ओपोजिट वर्ड होते हैं जो हमें क्या करते हैं, ओपोजिट मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हारना और विक्ट्री मीन्स होता है जीत। तो इसका जो ओपोजिट वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा डिफीट का, वो बनेगा आपका विक्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फार। फार मीन्स होता है दूर और नियर मीन्स होता है पास। सैड मीन्स दुखी और हैप्पी मीन्स होता है आपका खुश। रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना और एक्सेप्ट मीन्स होता है उसको स्वीकार करना। इसके बाद आपको यहाँ पर कम्युनिकेट दे रखा है। यहाँ पर कम्युनिकेट में आपको दे रखा है, अभी आपने चैप्टर को पढ़ा है, स्टोरी को रीड आउट किया था, व्हाई डिड जबावा रन ऑफ इन टीयर, कि जबावा अपने आंसुओं को लेकर कमरे में क्यों भाग जाती है, क्यों, बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट टू मैरी विद अ वूमेन, क्योंकि वो एक औरत से शादी नहीं करना चाहती है, बट उसके जो चाचा हैं वो उससे शादी करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हु डिसाइड टू पुट एन एंड टू द गेम ऑफ डिस्कस, कि ये किसने डिसाइड किया था जो अंत में जो गेम है वो डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डिड द प्रिंस ऑर्डर टू हिज गार्ड, प्रिंस ने अपने जो सिपाही थे उन लोगों को उसने क्या आदेश दिया। तो आपने जो स्टोरी पढ़ी है उस स्टोरी के बिहाफ पे आप इन क्वेश्चन के आंसर रिटर्न करोगे। अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको आंसर रिटर्न कर दूंगी। तो ये था आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।